और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन पर बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। पूरे बिहार में मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन, ये बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश सरकार के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री वैक्सीन, ये कहा है नीतीश कुमार ने। देखिए, यानी कि सरकारी अस्पतालों में तो फ्री वैक्सीन मिलेगी ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी बिहार में फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त, हालांकि आपको याद होगा कि चुनाव जब हो रहे थे उस वक्त ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अगर यहां पर सरकार एनडीए की बनती है। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा, निजी अस्पतालों में लगता है कि हाँ, वहां भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम ही किया जाएगा। आपने सुना नीतीश कुमार को, जिन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा किया, कहा कि बिहार के लोगों को अब फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में ₹250 रखे गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन अब प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री वैक्सीन लगेगी। ये बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने किया है। हालांकि दोपहर 1 बजे के आसपास खुद नीतीश कुमार भी आज कोरोना की पहली डोज लगवाते हुए दिखेंगे। और बड़ी खबर, हिंदुस्तान की खबर का असर हुआ। असली किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने 72 घंटे में जरोड़ा कला बॉर्डर को खाली कराने का आश्वासन दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जे हिंदुस्तान की खबर का असर हुआ है। हमने लगातार असली किसानों की आवाज दिखाई थी, जिनका विरोध लगातार हो रहा था, किसानों के लगातार विरोध के स्वर हमने दिखाई, इसका असर हुआ है। प्रशासन ने भी 72 घंटे में जरोड़ा कला बॉर्डर को खाली कराने का आश्वासन दिया। और सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित, एक तरफ स्थानीय लोगों का गुस्सा, दूसरी तरफ जी हिंदुस्तान लगातार उन असली किसानों की आवाज पहुंचा रहा है, और उसी का बड़ा असर प्रशासन ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बिल्कुल 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 रितिका, सीधे तौर पर कहा जाए कि जी हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि लगातार हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे। और जिस तरह से धरना किसानों ने, असली किसानों ने जो धरना किया था, तो उस धरने के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है इन तमाम असली किसानों को कि 72 घंटे के अंदर हम झरोदा करा जो बॉर्डर है वो हम खाली करा देंगे। यानी कि टिकरी बॉर्डर से जो सटा हुआ झरोदा कला जो बॉर्डर है वो भी पिछले 90 दिनों से बंद है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर से सटा हुआ ये बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर खुल जाता है तो यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो बहादुरगढ़ कम से कम जा सकते हैं। क्या कहा है प्रशासन, पुलिस ने हमारे को 72 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया, आश्वासन दिया भी 72 घंटे में आपका बॉर्डर खोल दिया जाएगा, आपका समस्या का हल हो जाएगी। हम बहादुरगढ़ आने जाने में, देखो सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को, जी हिंदुस्तान को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो हमारी बात है, हमारी जो दुख दर्द है समझा, देहात की बात समझी, किसान की बात समझी, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। जी हिंदुस्तान का, उन्होंने देहात में आकर हमारी दुख दर्द की वह अच्छा सुनी। 72 घंटे का जो आपको आश्वासन दिया गया है उसके बाद क्या, उसके बाद में 72 घंटे में जब हमारा समाधान नहीं हुआ तो हमारे को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, उसके आगे की कार्रवाई हम खुद करेंगे। आंदोलन हो गए, इतने के लिए आंदोलन खत्म हो जाएगा, जो आंदोलनजीवी जो है आंदोलनजीवी इनको खदेड़ दिया जाएगा, और असली किसान इस धरने पर बैठेगा, अंत इसलिए आंदोलन होगा। 360 गांव हमारा भाई प्रकाश प्रधान जी है, पूरे प्रशासन ने इसका आश्वासन दिया तीन दिन का, और 3 दिन में ना खुल जाना तो कति पहुंच देंगे इसने, और जब कति खाली होगा, जब घर वापसी होगी उसका तो पहला ना हो, ये भाई साहब ने जो कह दी वो मान ली, और उसके बाद ना मानना किए की भी न प्रशासन की मान है ना, फिर आखिरी तोड़ होगा। हमारी इस मुहिम में जी हिंदुस्तान का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और आज सोमवार को ठीक 12:30 बजे हमारे को 72 घंटे का अल्टीमेट दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। बृहस्पतिवार को ठीक 1 बजे हम बॉर्डर पे जाएंगे, अगर प्रशासन ने नहीं खोला तो हम स्वयं जाके इसको खोल देंगे। इसमें प्रशासन किसान वहाँ पे बैठे हैं, उनको वहाँ से खदेड़ देंगे, वहाँ से खदेड़ देंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 72 घंटे का जो आश्वासन मिला है पुलिस प्रशासन की ओर से, उसके बाद अगर बॉर्डर खाली नहीं होता है तो फिर आगे का रास्ता क्या? जी हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांव के दुख दर्द में ये शामिल हुए, और सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वही ट्रैक्टर है जो फिल्म बना कर लेकर आए थे, और अब ये 72 घंटे में अगर इसने खाली नहीं किया ना, तो हम फिर स्वयं खाली करेंगे यहाँ जाकर, और 360 की भी पंचायत करेंगे।
72 घंटे में ये खाली कर ही देंगे, नहीं करेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ झरोदा कला गांव के पास जो झरोदा कला बॉर्डर है, जो कि टिकरी बॉर्डर से सटा हुआ बॉर्डर है, उसे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 72 घंटे के अंदर हम खोल देंगे। तो ऐसे में 72 घंटे का जो समय है वो गांव वालों ने मंजूर कर लिया है। अगर 72 घंटे के अंदर अगर बॉर्डर खाली नहीं होता है तो आगे की जो कार्रवाई है इन तमाम गांव वालों की ओर से की जाएगी, क्योंकि देखिए आसपास के करीब 360 ऐसे गांव हैं जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और खासकर टिकरी बॉर्डर से लेकर जो तमाम बॉर्डर्स हैं उसे खुलाने की जो बात है वो कही जा रही है। देखिए तमाम महिलाएं जो हैं जो धरने पर बैठी हैं, ये बताइए कहा गया है कि 72 घंटे में बॉर्डर खोल देंगे, इतने टाइम का इंतजार करेंगे बेटा, फिर हम ईंट बरसाएंगे, हम नहीं हटेंगे, उल्टे उड़े लग पार का दर्द देंगे, हम इतने 72 घंटे में नहीं खुला, हम तो बहुत बेइज्जती करते हैं, हम किसी ने भी नहीं भेज सकते अपने बच्चे ने, हम कितने हमारी खेती ना होगी तुम करें भाड़े के कहाँ से लाएंगे, कमाई ना होगी, जब 72 घंटे में उम्मीद है कि खाली हो जाएगा बॉर्डर। हाँ उम्मीद है, हो जाएगा, हमें उम्मीद है गृह मंत्री जी से कि वो रास्ता खुलवा देंगे, हमें उम्मीद है पूरी बीजेपी से कि रास्ता खुलवा देंगे वे, और ना खुलेंगे तो हम खुद जाकर खुलवा लेंगे, लाठी नहीं खुले थे हम खुद जाकर, और 360 दिल्ली में क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कि बॉर्डर देखिए आश्वासन जो है आपके चैनल से आवाज पहुंची ऊपर तक और आश्वासन मिल गया 72 घंटे के अंदर अगर नहीं खुलेगा तो पूरा गाँव फिर इकट्ठा हो जाएगा। हमने जो है पुलिस वालों को भी ये कह दिया है भाई आप हमारा रास्ता खोल दो, हम जो अभी ये किसान जीवी है ना, जो किसान जीवी ये जो बने हुए किसान आंदोलन जीवी, देखिए ये जो कम्प्लेन है ये कम्प्लेन दिखाना चाहेंगे कि डीसीपी, देखिए डीसीपी को ये कम्प्लेन दिया गया है, ये बताइए कि क्या कम्प्लेन आपने दिया है और 72 घंटे का जो आश्वासन मिला है वो क्या है। ये हमने डीसीपी सर को आश्वासन एप्लीकेशन दिया कि हमारा ये झड़ौता बॉर्डर पूर्णतः खोल दिया जाए, नहीं 72 घंटे का आश्वासन के बाद हम दोबारा यहाँ बैठेंगे, उम्मीद है आपको कि खाली हो जाएगा, उम्मीद है खाली हो जाएगा, ना हो जाएगा तो सारा गांव लग कर फिर खाली करेंगे अपने आप पूरा गांव। बिल्कुल देखिए आश्वासन मिला है 72 घंटे का कि 72 घंटे में टिकरी बॉर्डर के अलावा जो झरोदा कला खासकर जो बॉर्डर है उसे खाली करने का आश्वासन पुलिस ने प्रशासन ने दिया है। तो इंतजार 72 घंटे का है, अगर 72 घंटे में अगर झरोदा कला बॉर्डर को अगर खाली नहीं किया जाएगा तो उसके बाद 360 गांव जो है आसपास के वो जुटेंगे और टिकरी बॉर्डर से लेकर झरोदा कला बॉर्डर तक खाली कराएंगे। तो ये आश्वासन मिला है तो संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट, हम तो पहले भी संतुष्ट थे, देखो प्रशासन से हमारी बातचीत हो रही थी इस विषय पर बॉर्डर खोलने के लिए, क्यों हमारे यहाँ बॉर्डर पर शुरू से रात तक भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, प्रशासन 24 घंटे अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी निगरानी के साथ अपना उस पर कार्रवाई पर तत्पर आया है, ना गांव ने किसी प्रकार 72 घंटे में खुल जाएगा जल्दी 72 से भी पहले खुल जाएगा। हमारी एसीपी हैं जोगिंदर जी, उनसे बात करेंगे, क्या आश्वासन दिया गया है आपकी ओर से? पूरी कोशिश करेंगे, इनकी दिक्कतें जो हैं 72 घंटे का आश्वासन दिया गया दूर करने का पूरा करेंगे। तो 72 घंटे का आश्वासन दिया गया है डीसीपी साहब से, मीना साहब से भी बात हुई है अभी हमारी, ये देवभूमि झरोदा कला है, यहाँ पुलिस प्रशासन हमारा बहुत सहयोग करती है, ऊपर तक है गांव का भी पूरा सहयोग है, पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, यहाँ हमारे हर माह मेला भरता है, बाबा हरिदास जी की मनोकामना है यहाँ पर, हमारे पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है यहाँ से। सुमित आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास सुमित, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, आज से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध, हिसार में खाप पंचायत का कृषि कानून के विरोध में यह फैसला। साथ ही कहा गया है कि निर्धारित रेट पर दूध नहीं बेचने पर 11,000 का जुर्माना भी लगेगा, सिर्फ गांव वालों को दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा, खाप पंचायत जबरदस्ती नहीं कर सकती है, ये कह रहा है मंत्री अनिल विज का। देखिए हरियाणा में तुगल की फरमान सुना दिया गया है, सुमित इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ रहा है। सुमित देखिए एक तरफ इन लोगों का गुस्सा लेकिन दूसरी ही तरफ खाप पंचायतों का एक तुगलकी फरमान, दूध की कीमत निर्धारित कर दी गई है, ऐसे में किस तरीके से ये विरोध कम होता हुआ दिखाई देगा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार देखिए यहाँ के जो तमाम किसान हैं वो मान रहे हैं कि इस आंदोलन के आड़ में राजनीति जमकर हो रही है। और सबसे अहम बात है कि राकेश टिकैत के खिलाफ इन तमाम गांव वालों में काफी उबाल है, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये आंदोलन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था, लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से रोने का ड्रामा किया, उसके बाद राकेश टिकैत ने आग में घी डालने का काम किया, उसके बाद से ये आंदोलन एक बार फिर से जो है एक तरह से फर्जी आंदोलन में तब्दील हो गया। तो ऐसे में लोग भी मानकर चल रहे हैं कि राजनीति जो है वो जमकर हो रही है। अब देखिए सबसे अहम बात है कि जी हिंदुस्तान लगातार ये जो असली किसानों का जो दर्द है वो दिखा रहा था, और उसी खबर का असर ये हुआ है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 72 घंटे के अंदर टिकरी बॉर्डर से जो सटा झरोदा बॉर्डर है उसे खाली करा दिया जाएगा कम से कम, क्योंकि अगर ये बॉर्डर खाली हो जाता है तो कम से कम यहाँ के जो तमाम गांव वाले हैं वो कम से कम बहादुरगढ़ जा सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा असर जो है वो खासकर जी हिंदुस्तान की खबर पर हुआ है। और सबसे अहम बात है कि आसपास के जो लोग हैं वो पिछले 3 महीनों से जूझ रहे हैं इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि खासकर जो सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो तबाह हो गई है, वो चाहे आप गोभी की फसल की बात करें या फिर तमाम फसलों की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ जो आसपास जो खासकर गोभी की जो फसलें हैं वो सबसे ज्यादा होती है, और यही इसी फसल पे जो है काफी ज्यादा असर हुआ है। तो किसानों का कहना है कि 72 घंटे में अगर ये बॉर्डर खाली नहीं होगा तो उसके बाद आसपास के 360 गांव हम मिलकर टिकरी बॉर्डर तो खाली कराएंगे ही, साथ ही झरोदा बॉर्डर भी खाली कराएंगे। तो एक तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने तो 72 घंटे का आश्वासन दिया है, लेकिन एक तरह से किसानों की ओर से एक बार फिर से अल्टीमेटम ये दे दिया गया है कि अगर 72 घंटे में अगर ये झरोदा बॉर्डर खाली नहीं होता है तो उसके बाद 360 गांव एकजुट होंगे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी, टकराव की स्थिति होगी, ये तमाम बातें जो है ये गांव वाले अब मानने को तैयार हो गए हैं कि टकराव का अगर स्थिति हो तो हो। बिल्कुल सुमित, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच। एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है राकेश टिकैत के खिलाफ, पलवल के किसानों में अब गुस्सा दिखाई दे रहा है। टिकैत को पलवल जिले के किसानों ने सख्त चेतावनी दे डाली। किसान लगातार टिकैत को चेतावनी दे रहे हैं, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साफ तौर पर ये टिकैत से कहा गया है 72 घंटे के अंदर आपको बॉर्डर खाली करना होगा, गाजीपुर बॉर्डर खाली करो, बॉर्डर खोलो, अपनी राजनीति बंद करें टिकैत। ये देखिए समझ में आ रहा है अब किसानों को, क्योंकि राकेश टिकैत का जो असली चेहरा है वो साफ तौर पर रितिका आप सबके सामने आ गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर के किसानों की टिकैत को दो टूक, अब बॉर्डर खाली कराने के लिए पहुंचेंगे ट्रैक्टर। बॉर्डर खाली कराने के लिए ट्रैक्टर लेकर असली किसान पहुंचेंगे, पैसे लेकर लोग बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, ये कह रहे किसान। 4000 किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे, जेवर के किसानों ने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए अब राकेश टिकैत के खिलाफ असली किसान मोर्चा खोल रहा है, किसान बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर खाली करने होंगे, बहुत हो गई राजनीति, बहुत हो गई सियासत, अब इस सियासी दुकान को बंद करना होगा। ये किसान सीधे तौर पर राकेश टिकैत को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से राकेश टिकैत महापंचायत के नाम पर सियासी रैलियां कर रहे हैं, वो अब किसानों को समझ आ गया है, किसानों को बरगलाया गया, उनको भड़काया गया, उनको उकसाया गया, और अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए उनका इस्तेमाल करते हुए नजर आए राकेश टिकैत। उनका असली चेहरा मुखौटा उतरते ही अब सभी किसानों के सामने, जिसका विरोध खुलकर हो रहा है। तो एक तरफ राकेश टिकैत जो कि 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे थे, सख्त लहजे में सरकार को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब देखिए असली किसान अब राकेश टिकैत के खिलाफ उतर आए हैं। दो टूक साफ तरीके से कह दिया गया है कि बॉर्डर खाली किया जाए जल्द से जल्द, और इसके लिए अब हम ट्रैक्टर्स के जरिए जमीन स्तर पर उतरेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत जो कि जिस तरीके से राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे नाम पर हमारे चेहरे पर जिस तरीके से यहां पर राजनीति हो रही है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ अल्टीमेटम दे दिया गया है तो दूसरी तरफ दो टूक सख्त लहजे में राकेश टिकैत के खिलाफ अब ये तमाम किसान जमीनी तौर पर उतर आए हैं। और अब देखिए अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि एक तरफ लगातार महापंचायतों के जरिए बरगलाने का काम तो राकेश टिकैत का जारी था, लेकिन जब असली किसान उनके खिलाफ आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं, तो किस तरीके से अब राकेश टिकैत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, असली किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने 72 घंटे में झारोड़ा कला बॉर्डर को खाली कराने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, जे हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुबह से हम उन किसानों की आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां जाकर उसका समाधान हो, और उन किसानों की आवाज का असर हुआ है। अब 72 घंटे में बॉर्डर खाली कराने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है।
पहले स्थानीय लोगों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन अब देखिए प्रशासन ने भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और ये देखिए किस तरीके से नारेबाजी वहां पर की जा रही है कि बॉर्डर खाली किए जाए, क्योंकि ना केवल परेशानी हो रही है बल्कि बहु बेटियों को भी अब यहां पर उनका अपमान किया जा रहा है, बदसलूकी उनके साथ की जा रही है। महिलाएं भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन गई है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है राकेश टिकैत के खिलाफ उसका हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है महिलाएं भी। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब बॉर्डर खाली करने होंगे। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर यह कहा गया है राकेश टिकैत को सामान समेटना होगा। नजर आएगा कि किस नजर आएगा कि किस खिलाफ किस नजर आएगा कि किस खिलाफ किस नजर आएगा कि किस खिलाफ किस आप देख रहे हैं बॉर्डर खाली करने होंगे, इस बात की नारेबाजी हो रही है। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों का क्या कुछ कहना है? सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम किसान इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए बिल्कुल 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 लक्ष्मी, देखिए तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है। देखिए इससे पहले जी हिंदुस्तान आया है, उससे पहले की क्या स्थिति थी पुलिस प्रशासन बात आपकी सुनती थी? हमारे गांव में किसी को भी सुध लेने की जो वो नहीं थी, किसी को भी नहीं। आपके चैनल ने हमारा दुख दर्द समझा और हम तय दिल से आपका स्वागत करते हैं, जो हमारी समस्या को पूरे राष्ट्र के सामने रखा। 3 दिन का पुलिस प्रशासन ने हमारे से टाइम लिया है, 3 दिन तक जो ये बॉर्डर खाली नहीं किया तो हमने किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर बॉर्डर को खोल देंगे। और जो नकली किसान वहां पर बैठे हैं, जो चौकीदार हैं किराए के, तंबुओं में आदमी नहीं अब एक भी, हम खुद बाजगढ़ जाते हैं, पैदल जाते हैं, खेतों से होके जाते हैं, हमने खुद देखा है कोई भी किसान उसमें नहीं है। लेकिन आज से पहले पुलिस प्रशासन आप लोगों की सूद लेता था? हमारे को वहाँ जाने नहीं देते थे, कोई सुनता नहीं था, ये तो आपके चैनल की वजह से। बिल्कुल समय आप नजर बनाए रखिए, देखिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब इजाजत हमें किसी की नहीं चाहिए, अगर बॉर्डर खाली नहीं हुआ तो आप खुद हम ये बॉर्डर खाली करवाएंगे।